दोस्तों नमस्कार। फिल्मी सितारों की रंगीन महफिल यानी फिल्मी बातों में आज पेश है दोस्तों नमस्कार, हाजिर हूँ आज फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें चर्चा होगी एक साथ फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज दिलीप कुमार और राजकुमार की, और चर्चा इस बात पर होगी कि आखिर क्यों राजकुमार ने दिलीप कुमार को तमाचा मारा था और आखिरकार उस तमाचा के बाद फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कौन सा भूचाल आ गया और दोनों के बीच जो कभी दोस्ती थी वो दुश्मनी में क्यों बदल गई। आज इसी बात पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों मैं हूं राजेश्वर मधुकर और हाजिर हूं आज फिर एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अगर आज तक आप लोगों ने हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। साथ ही ये भी बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री के किस महान हस्ती के बारे में आप जानना चाहते हैं, हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों हिंदी सिनेमा में न आज तक कोई दिलीप कुमार जैसा संपूर्ण अभिनेता हुआ है और न ही राजकुमार जैसा सुपर कॉन्फिडेंट एक्टर। दोनों की अपनी फैन फॉलोइंग आज तक बरकरार है। दोनों की अभिनय शैली भी जमीन आसमान का अंतर रखने वाला है। जहां दिलीप कुमार मेथड एक्टिंग के चैंपियन थे, वहीं राजकुमार कैमरे और दर्शक पर एहसान करने वाले आदत से मजबूर थे। लेकिन इन दोनों सितारों के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें उनके बीच एक दो नहीं पूरे 36 सालों तक 36 का आंकड़ा बना रहा। वजह थी मात्र एक थप्पड़ और वो भी सबके सामने। तो आइए जानते हैं कि ये मामला क्या था। दोस्तों बात सन 1959 की है, जब रामानंद सागर की एक फैमिली ड्रामा फिल्म पैगाम में पहली बार दोनों ने साथ काम किया था। इसमें एक दृश्य ऐसा था जिसमें दिलीप कुमार और राजकुमार के बीच बहस होती है और हाथापाई भी होती है। दिलीप कुमार इस समय एक बहुत बड़े स्टार बन चुके थे और राजकुमार तुलनात्मक रूप से नए थे। लेकिन फिल्म में राजकुमार ने बड़े भाई का किरदार निभाया था और दिलीप कुमार ने छोटे भाई का। फिल्म की कहानी के हिसाब से राजकुमार को बड़े भाई होने के नाते छोटे भाई दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था। शूटिंग के दौरान राजकुमार ने दिलीप कुमार को ऐसा करारा हाथ रख दिया कि दिलीप कुमार सन्नाटे में आ गए। शूटिंग रुक गई। दिलीप कुमार चोट से नहीं मगर राजकुमार की इस हरकत से इतने नाराज हुए कि इस फिल्म के बाद उन्होंने कभी राजकुमार के साथ काम न करने का प्रण ले लिया। दोनों के बीच ये नाराजगी दूर करने की ठानी शोमैन फिल्म मेकर सुभाष घई ने और फिल्म सौदागर में दोनों को एक साथ कास्ट किया। दोस्तों आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच अनबन पूरे 36 साल तक चला और सुभाष घई की एक पहल के कारण 36 वर्ष बाद दोनों ने सौदागर फिल्म में एक साथ काम किया। तो दोस्तों ये रही बात दो दिग्गज कलाकारों की। दोस्तों राजेश्वर इंटरटेनमेंट के द्वारा इसी चैनल पर संजीव कुमार
हेमा मालिनी, धर्मेंद्र, जीनतमान, गोविंदा, राजेंद्र कुमार और जीतेंद्र और देवानंद की जिंदगी पर आधारित सीरीज मौजूद है जिसे आप देख सकते हैं। तो अब आज्ञा दीजिए अपने दोस्त राजेश्वर मधुकर को। दोस्तों जल्दी ही हम हाजिर होंगे फिल्मी दुनिया के किसी मशहूर हस्ती की जिंदगी की बातों के साथ। नमस्कार।